झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने जमशेदपुर में टाटा स्टील के अधिकारियों के साथ मानगो चौक पर प्रस्तावित फ्लाईओवर का स्थल निरीक्षण किया। इस मौके पर उनके साथ टाटा स्टील यूटिलिटी इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज लिमिटेड और पथ निर्माण विभाग के भी अधिकारी मौजूद थे। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि मानगो फ्लाईओवर का कार्य 4 महीने के अंदर शुरू हो जाएगा, 1.5 महीने के अंदर इसे बना लिया जाएगा। चमरिया गेस्ट हाउस में भी स्वास्थ्य मंत्री ने बैठक की। क्या क्या पाए और क्या क्या आगे होगा? देखिए, ये फ्लाईओवर इस शहर के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा और इसमें हमारे पूरे आरसीडी डिपार्टमेंट के सारे बड़े अधिकारी आए हुए हैं। भैया थोड़ा शांति रहे तो ना बोलेंगे। ये जमशेदपुर में मील का पत्थर साबित होगा और हमारे आरसीडी डिपार्टमेंट के सारे बड़े अधिकारी आए हैं। इनके साथ में टाटा स्टील के भी बड़े अधिकारी हैं, लैंड डिपार्टमेंट के अधिकारी हैं, जिसको के भी अधिकारी हैं। एमडी जो है हमारे ऋतुराज जी के निर्देश पर, वीपीसीएस के निर्देश पर कैप्टन धनंजय मिश्रा जी हैं, प्रणय सिन्हा जी हैं, अमित सिंह जी हैं टाटा की तरफ से, हमारे तरफ से राजेश जी हैं, दीपक जी हैं, सारे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं। और ये एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना है और ये सीधा ये मानगो राजस्थान भवन से ऊपर होके आएगी, फिर वहाँ से हनुमान मंदिर के पास से ये चढ़ेगी, फिर ये आते आते आपको ये जो हमारा मेरिन ड्राइव से टिमकन गुलचक्कर होते हुए सीधा चली जाएगी ये भालूबासा में, ये जो क्या रोड बोलते हैं, भुयांडी रोड। तो ये जो बीच के लोग हैं जो मेरिन ड्राइव से सीधा भुयांडी पकड़ लेगा और वहाँ से सीधा निकल के इधर मेरिन ड्राइव, ये जो मेन रोड है, मेन रोड होते हुए चला जाएगा वो डीसी ऑफिस के सामने। तो मैं समझता हूँ कि ये पूरा एक यातायात व्यवस्था में एक ऐतिहासिक परिवर्तन होगा और उसी के लिए अभी यहाँ से जाने के बाद अभी चमरिया गेस्ट हाउस में एक संयुक्त बैठक होगी। उस बैठक के बाद फिर अधिकारी फिर एक बार निकलेंगे और निकल के जो है कुछ पॉइंट पर, 2-3 और ऐसे पॉइंट है जिस पर डिस्कस होगा और उसके बाद ये काम भी मैं समझता हूँ कि 2-3-4 महीना कम से कम, मैं समझता हूँ 4 महीना के अंदर अंदर ये काम जो है चालू हो जाएगा। क्या क्या पाए और